उधर चैप्टर 11 ही है ना? यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या है भाई? वो कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। जरा ध्यान दीजिए, हमेशा आप क्या करोगे, एक रफ डायग्राम जरूर बनाओगे। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है, हमें निकालनी क्या है रेडियस। जो भी डायमीटर दिया हुआ है अगर आप उसका हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। अब अगर आप चाहें तो इसको 5.25 लिख सकते हैं, आपको ही पता है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। क्यों? अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और साथ में इसकी स्लांट हाइट भी गिवन है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूं कैलकुलेशन इजी करना, और अगर कैलकुलेशन आप इजी कर पाए तो समझ लो फिर ये चैप्टर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जरा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट करोगे, लेट रेडियस, रेडियस ऑफ कोन लिखो या रेडियस सिर्फ लिखो। देखो डायमीटर गिवन है, मुझे पता है और आपको भी पता है, लेकिन आपको अगर रेडियस निकालनी है तो क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस मिल जाएगी। और हमें जरूरत किसकी है, रेडियस की, ना कि डायमीटर की, ठीक है। और साथ में हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, स्लांट हाइट की, विच इज ऑलरेडी गिवन, स्लांट हाइट इज कितना, 10 सेंटीमीटर। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, मुझे निकालना है जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला होता है जी पाई आर एल। किसी बच्चे को दिक्कत, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी भाई, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और स्लांट हाइट कितनी है, मुझे पता था, देखो 2 से 2 कट जाएगा, कट गया। अब अगर मैं इसको 5.25 लिखता तो मेरी कैलकुलेशन और टफ होती। और साथ के साथ जरा ध्यान दीजिए और कितना इजी हो गया है, यहां पर आ गया 11, इस डेसिमल जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, या फिर आप समझिए कि इसको हटाओगे तो 10 लगेगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा, 105। क्या बात समझ में आ रही है, 7, ये तो रहा सही से, देखो नजर आया, और 7 से ये भी डिविजिबल है, 7 वनजा एंड 7 5, 7 वनजा 7 और 7 5 13। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आ गया थी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना भाई, 165 सेंटीमीटर का। क्या बात समझ में आ रही है? तो इजी सा है, बस कैलकुलेशन आपको समझनी होगी कि कैसे करनी है। नोट कीजिए,